काले कानून के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। टोली चौकी में बुरखापोश खवातीन और लड़कियों का रात 4 बजे तक धरना। 20 से 30 नौजवानों की गिरफ्तारी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी, अवाम में बेचैनी। जी हाँ, काले कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद में एहतजाज में अब शिद्दत पैदा होती जा रही है और मरकजी हुकूमत की तरफ से इस काले कानून पर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद लोगों में मजीद बरहमी पाई जा रही है। इसी वजह से शहरी अब रात के वक्त भी अपने एहतजाज को बुलंद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी तरह का नाइट प्रोटेस्ट 12 जनवरी को टोली चौकी चौराहे पर अंजाम दिया गया। इस नाइट प्रोटेस्ट की खास बात यह रही कि इसमें बुरखापोश खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद ने हिस्सा लेकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। यकीनन मर्द हजरात के मुकाबले ये बुरखापोश खवातीन और लड़कियां काबिले मुबारकबाद हैं। अपनी घरेलू जिंदगी और फिर अपने माँ बाप और शोहर बच्चों और भाइयों की देखभाल करने के बाद भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए ये सड़कों पर निकल कर आ रही हैं। इनके इस इकदाम से महकमे पुलिस के अहदेदारों में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि अब तक नाइट प्रोटेस्ट का सिलसिला शहर में शुरू नहीं हुआ था, मगर अचानक इन लड़कियों और खवातीन ने यह कदम उठाकर हुकूमतों को भी हिला दिया और ये दिखा दिया कि अपने मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए ये बुरखापोश खवातीन व लड़कियाँ जाम शहादत तक पीने के लिए भी तैयार है। मगर हमारे पुरखों की तरफ से बनाए गए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन दस्तूर को तब्दील होता हुआ बर्दाश्त नहीं ये कर सकती। जिनके इस एहतजाज की वजह से टोली चौकी और आसपास के मुकामात पर भी सनसनी फैल गई और फिर इस इत्तला के फौरी बाद शहरियों की कसीर तादाद ने टोली चौकी चौराहे पर ब्रिज के नीचे पहुंचकर अपने एहतजाज को दर्ज करवाया और इसके साथ ही पुलिस का अमला भी यहाँ पहुँच गया और फिर इन बुरखापोश खवातीन और लड़कियों के इस एहतजाज को जबरी तौर पर ख़त्म कर देने के लिए भी जोर दे रहे थे, मगर ये एहतजाजी अपने इरादे पर कायम रहे और फिर मुल्क की आज़ादी के वक्त लगाए गए इनकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज में पुरमन अंदाज में एहतजाज को दर्ज करवाते रहे, मगर पुलिस का अमला वही काम करता रहा, जिसकी वजह से यहाँ के माहौल में कशीदगी भी पैदा हो गई और फिर इन एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कमपेल भी शुरू हो गई। और फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के अलावा ग्रेहाउंड्स के अमले ने यहाँ पर सख्ती अख्तियार करते हुए जालिमाना रवैया भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माहौल में कशीदगी भी पैदा हो गई और फिर एहतजाजियों में भगदड़ भी मच गई, क्योंकि पुलिस अमले ने अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाते हुए 20 से 30 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद इन बुरखापोश खवातीन व लड़कियों के एहतजाज को जबरी तौर पर ख़त्म भी करवा दिया और तकरीबन 4 बजे अलसुबह ये बुरखापोश खवातीन और लड़कियाँ अपने घरों को वापस लौट गई और यह पहला मौका है कि शहर हैदराबाद में भी रात देर गए तक एहतजाज को बुलंद किया गया, वो भी लड़कियों और ख्वातीन ने। हालांकि दारुल हुकूमत दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता 28 दिनों से इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है, मगर वहां से किसी को भी नहीं हटाया जा रहा है। यहां तो रियासत तेलंगाना है और वह भी KCR की हुकूमत कायम है और फिर यहाँ के होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली है, फिर भी शहरियों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। इसी वजह से सभी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शक भी हो रहा है और ये समझा जा रहा है कि KCR भी खुद काले कानून की ताईद में है, क्योंकि इनकी रियासत में आम शहरियों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ना ही KCR ने अब तक काले कानून के खिलाफ में अपना मुँह खोला है। हालांकि के चंद्रशेखर राव ने खुद सदर मजलिस असद अवैसी की ज़ेर क़यादत एक डेलीगेशन को 2 दिन के वक्फे में इस काले कानून पर बयान देने का भी तयखुन दिया था, मगर अब तक 15 दिन से जायद का अरसा भी हो चुका है, फिर भी के चंद्रशेखर राव के 2 दिन पूरे नहीं हुए। इसी वजह से 10 जनवरी को सदर मजलिस असद अवैसी की तरफ से निकाली गई तिरंगा रैली में भी लोग के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद कर रहे थे। खास बात तो ये भी रही कि उस रैली में मजलिस के कारपोरेटर मोहम्मद मुबशरुद्दीन और हुसैनी पाशा के बड़े भाई मौलाना मुजद्दीन अशरफी ने भी
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ में नारे देते हुए बल्दिया इलेक्शन में वोट भूल जाओ का नारा भी बुलंद कर रहे थे, मगर फिर भी के चंद्रशेखर राव खामोशी है, न जाने इनकी क्या मजबूरी होगी। आप सबकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। अगर सच में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस काले कानून के खिलाफ में रहते तो वो भी वेस्ट बंगाल की खातून चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उर्फ दीदी की तरह सड़क पर आकर एहतजाजियों का साथ देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। Come on, 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 come on